सब्सक्राइब करिएगा थॉट्स बिकम सक्सेस यूट्यूब चैनल को, और साथ ही जो बेल बटन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो इस चैनल पर उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों आप सभी का मैं हमारे थॉट्स बिकम सक्सेस यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उर्दू पेपर वन के लैंग्वेज वन के आंसर की को, तो देखते हैं आप इसको एंड तक जोर से देखिएगा। मैंने अपना 100% एक्यूरेट आंसर आपको बताने की कोशिश की है, एंड तक देखिएगा। कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़ोर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्दी लैंग्वेज टू की भी आंसर की अपलोड करने की कोशिश करूँगी। एक टेस्ट बुकलेट कोड रहा डी, आप आपके हिसाब से चेकआउट कर लीजिएगा आपको कौन सा मिला है क्या। तो पहले दोस्तों आपको एक अनसीन पैसेज पूछा गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे। पहला सवाल रहा ज़मीन का मुतजाद है। मैंने बहुत सी बार कहा था आपको कि ग्रामर इस तरीके से ही पूछा जाएगा कहकर, तो ये रहा ज़मीन का मुतजाद है आसमान, ऑप्शन टू सही रहा। तो दूसरा सवाल रहा साइंसी दौर में कौन सा काम काफ़ी बढ़ गया है, तो पैसेज से रिलेटेड रहा था ये चांद की ज़मीन पर तहकीक का काम बढ़ गया है, इसका सही ऑप्शन अगर ऑप्शन फोर रहा चांद की ज़मीन पर तहकीक का काम। तीसरा सवाल रहा साइंसदानों के ख्याल में चांद में क्या नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन अगर ऑप्शन टू है हरारत है ना रोशनी ना ऑक्सीजन ना नबातात, ऑप्शन टू सही रहा इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू पैसेज आप पढ़ लेंगे तो आपको यही आंसर्स मिलेंगे। अगला सवाल रहा चौथा चांद सूरज की रोशनी कैसे मुनाकिस करता है, चांद सूरज की रोशनी कैसे मुनाकिस करता है, मुनाकिस के मान यानी रिफ्लेक्ट करता है, किस तरीके से सोने की तरह या फिर शीशे की तरह आईने की तरह हीरे की तरह, तो इसमें सही ऑप्शन अगर ऑप्शन थ्री रहा आईने की तरह मुनाकिस करता है रिफ्लेक्ट करता है चांद सूरज की रोशनी को। अगला सवाल रहा चांद ज़मीन के गिर्द किस मदार में घूमता है, चांद जो है ज़मीन के गिर्द किस मदार में घूमता है, तो इसका सही ऑप्शन अगर ऑप्शन फोर रहा बैजवी मदार में घूमता है चांद ज़मीन के गिर्द, फोर ऑप्शन सही रहा। अगला सवाल रहा चांद का हमें कौन सा हिस्सा नज़र आता है, तो ऑप्शन थ्री सही रहा इसका आंसर, जिस पर पूरे तौर पर सूरज की रोशनी पड़ती है उसी चांद का वो हिस्सा नज़र आता है, तो इसका सही ऑप्शन अगर ऑप्शन थ्री रहा, ये भी आपको पैसेज में दिया गया है। अगला सवाल रहा खले से मुराद कौन सी जगह है, खले से मुराद कौन सी जगह है, तो इसका सही ऑप्शन अगर ऑप्शन टू रहा वो जगह जो हवा से खाली हो उसको कहते हैं खला, तो इसका सही ऑप्शन अगर ऑप्शन टू है खाली जगह हवा वो जगह जो हवा से खाली हो। अगला सवाल रहा चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से क्या पता चलता है, तो ये भी पैसेज से रिलेटेड ही है सवाल, तो इसका सही ऑप्शन अगर ऑप्शन फोर है चांद पर किसी किस्म की ज़िंदगी नहीं है ये पता चलता है चांद से लाई गई मिट्टी और पत्थरों से। तो ये रहा आखिरी सवाल जो कि मैंने आपको से कहा था कि आपको मुतजात और जमा से ही रिलेटेड सवाल आएंगे, तो ये रहा जमा का तस्वीर की जमा है, तो इसका सही ऑप्शन अगर तस्वीर है ऑप्शन टू सही रहा तस्वीर की जमा तस्वीर। प्रो से रिलेटेड जो भी आंसर की थी वो कंप्लीट हो गई है, अब पोइट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला सवाल रहा इसमें हक की जमा है, हक की जमा आकर हुकूक है, तो ये भी आपको जमा से रिलेटेड ही पूछा गया है ग्रामर में से, तो इस तरीके से आते हैं हक़ की जमा कर हुकूक है। दोस्तों अगला सवाल रहा हक़ तो है कि हक डैश ना हुआ, ज़ेल में दिए गए लफ्ज़ों में से सही लफ्ज़ भरिए, तो इसका सही ऑप्शन क्या है उसको हमें पूर करना है भर करना है लाइक, इसका सही ऑप्शन अगर ऑप्शन फोर है अदा, हक़ तो है कि हक़ अदा ना हुआ, तो ये आपको जो भी आपको पोइट्री से रिलेटेड पूछा गया था पैसेज उसमें दिया गया है, ये भी पैसेज से रिलेटेड ही है। अगला सवाल रहा दोस्तों पहले मिसरे में शायर ने किसको दर्द का मिन्नतकश ना होने दिया, मिन्नतकश यानी एहसानमंद होना, तो किसको ना होने दिया, इसका सही ऑप्शन अगर ऑप्शन थ्री है दवा का मिन्नतकश ना होने दिया शायर ने पहले मिसरे में अपने, ऑप्शन थ्री सही रहा। अगला सवाल रहा शायर अपने महबूब से क्या शिकायत कर रहा है, शायर जो है अपने महबूब से क्या शिकायत कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन अगर ऑप्शन थ्री है रकीबों की जमा करने की शिकायत कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन अगर ऑप्शन थ्री रहा। अगला सवाल रहा शायर
کا بندگی میں بھلا کیوں نہ ہوا، شاعر کا بندگی میں بھلا کیوں نہ ہوا، تو اس کا صحیح آپشن اگر آپشن فور رہا، نمرود کی خدائی کی وجہ سے شاعر کا بھلا نہ ہوا، بندگی میں آپشن فور صحیح رہا. اگلا سوال رہا، محبوب کے آنے کی خبر سن کر کیوں اداس ہے، تو اس کا صحیح آپشن اگر آپشن ٹو ہے، گھر میں بوریاں نہیں ہیں اسی لیے محبوب کے آنے کی خبر سن کر اداس ہے، آپشن ٹو صحیح رہا. دوستوں یہ رہے انسین پیسج پروز اینڈ پوئٹریز کے کوشچن اینڈ آنسرس، تو یہ رہی اس کے آنسر کی، یہ پرفیکٹ ہیں اینڈ آپ ڈسکس کریں گے پیڈاگوجی کے کوشچنس کو. پیڈاگوجی میں پہلا کوشچن پوچھا گیا تھا، درج ذیل میں سے کون مطالعے کی مہارت نہیں ہے، یعنی مطالعہ یعنی پڑھنا، اسٹڈی کرنا، مہارت یعنی اسکل، تو کون سا نہیں ہے، تو اس میں صحیح آپشن آ کر آپشن ٹو رہا، لیکچر کے دوران نوٹ لینا درج ذیل میں سے جو ہے مطالعے کی مہارت نہیں ہے، اس کا صحیح آپشن آ کر آپشن ٹو رہا، لیکچر کے دوران نوٹ لینا. اگلا سوال رہا، درسی کتابوں کے مصنفین ہمیشہ نثری اقتباس، نظم، بیانیہ کو اور اصلی تحریروں کو اپنی کتابوں میں کیوں شامل کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں درسی کتابوں کے مصنفین ہمیشہ جو ہے نثری کے اقتباس یعنی پیسج کو، نظم کے بیانیہ کو اور اصلی تحریروں کو اپنی کتابوں میں کیوں شامل کرتے ہیں، تو اس کا صحیح آپشن اگر آپشن ٹو ہے، وہ مستند اور فطری زبان میں ہوتی ہیں، مستند اور فطری زبان میں ہوتے ہیں اس لیے اس کو شامل کرتے ہیں، اس کا صحیح آپشن آ کر آپشن ٹو ہے. میں نے بہت سے بار اپنے ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ مستند کے معنی آ کر ایک پورا سا ایک قابل اعتبار ہوتا ہے مواد، اسی لیے اس کو شامل کرتے ہیں، صحیح آپشن آ کر آپشن ٹو رہا. اگلا سوال رہا، درج ذیل کام کو کیا کہتے ہیں، ایک استاد ہے اپنی رفتار سے متن کو پڑھ کر سناتا ہے اور آموزگار گروپ میں جلدی جلدی کچھ نکات لکھتے ہیں اور پھر بعد میں متن کی دوبارہ تشکیل کرتے ہیں، تو درج ذیل کام کو کیا کہتے ہیں، تو اس کا صحیح آپشن آ کر آپشن فور رہا، دوبارہ لکھنے کا کام. اگلا سوال رہا دوستوں، پہلی زبان کو فروغ دینے سے عموماً کیا مراد لیتے ہیں، تو آپ کو پہلی زبان بولتے ہی آپ کو یہ دماغ میں آنا چاہیے کہ بچہ اپنے آپ سیکھتا ہے ایکوائر کر کے، ایکوائزیشن کے تھرو، تو اس کا صحیح آپشن اگر آپشن تھری ہے، وہی آپ کو سیکنڈری زبان پوچھا جائے تو سوچنا پڑے گا کہ وہ کوئی رسمی ماحول میں سیکھتا ہے کہ اگر، لیکن اس میں پہلی زبان آ گئی ہے تو اس کا صحیح آپشن اگر اپنے آپ سیکھتا ہے، اس سے عموماً اس سے مراد لیتے ہیں اپنے آپ سیکھنے سے. اگلا سوال رہا دوستوں، پہلی جماعت کے استاد کے کلاس میں مختلف مادری زبان بولنے والے بچے ہیں، استاد ان بچوں سے مختلف مادری زبانوں میں آداب و تسلیم کے تبادلے کے لیے کہتا ہے، اس طرح طلبہ روز مختلف زبانوں کے لیے نئے الفاظ سے متعارف ہوتے ہیں، متعارف یعنی وہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں، نئے الفاظ سے جاننے کو ملتے ہیں ان کو، اس طرح استاد کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے، تو اس میں صحیح آپشن اگر آپشن ٹو ہے، کثیر لسانیات بطور ماخذ. میں نے آپ کو ایک لاسٹ کلاس میں ریویژن کے کلاس میں بھی بولا تھا کہ جو مور دین ٹو لینگویجز ہوتی ہیں اس کو کثیر اپنی لسانیات کہتے ہیں، کہ اگر جبکہ ٹو لینگویجز کو بائیلنگولیزم دو رکنی لسانیات کہتے ہیں، کہ اگر اس میں دو سے زائد زبانیں کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو آپ کو بنا سوچے ٹک کر سکتے ہیں آپ کے کثیر رکنی لسانیات کا ہی اس کا صحیح آپشن ہے. کہ اگر اگلا سوال رہا، درج ذیل میں سے کون آموزگاروں کو زبان سے متعارف کرانے کا مثالی طریقہ نہیں ہے، اس میں نہیں ہے پوچھا گیا ہے ناٹ، تو اس کو اچھے سے یاد رکھ لیجئے گا، تو اس کا صحیح آپشن اگر آپشن فور ہے، حرف تہذیب کے حروف کی تدریس اگر، اس کا صحیح آپشن رہا، کیونکہ بولنے اور سننے سے شرکت بھی صحیح ہے، نظم اور گانے بھی صحیح ہے، مستعمل لفظ اور چھوٹے جملے بھی صحیح ہے، صحیح آپشن اس کا ناٹ پوچھا گیا ہے، تو اس کا صحیح آپشن آ کر آپشن فور رہا، حرف تہذیب کے حروف کی تدریس. اگلا سوال رہا، مادری زبان پر مبنی کثیر لسانیات کیا ہیں، مبنی کے معنی آ کر بیس، جسے انگریزی میں کہتے ہیں بیس اور بنیاد کے معنی آتے ہیں اس کے، مادری زبان کی بنیاد پر کثیر لسانیات کیا ہے، تو اس طریقے سے سوال کے معنی رہے، اس میں صحیح آپشن آ کر آپشن، تو آپ کو کثیر لسانیات پوچھا گیا ہے، تو اس میں آپ دو
ऑप्शंस को जो है डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ मादरी ज़बान की आमोजिश हो ये नहीं है, और मादरी ज़बान के ज़रिए आमोजिश हो ये दो नहीं है, क्योंकि इसमें कसीर के माने आकर मोर देन टू लैंग्वेजेस हैं। तो इसमें वन एंड टू में जो है आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन वन रहा। देखते हैं फिर सीटेट की में क्या आता है। अगला सवाल रहा दोस्तों, स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान जानी जाती है, तो स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान किस तरह से जानी जाती है। सालिसानी, कसीर लिसानी, तालीम में ज़बान और मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियाँ। तो इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन थ्री रहा। सालिसानी फार्मूले की तरह मानी जाती है स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़बान। ऑप्शन वन सही रहा इसका आंसर, सालिसानी फार्मूला। एंड अगला सवाल पूछा गया है कि कुल ज़बान के नज़रिए से मुराद क्या मुराद है कुल ज़बान के नज़रिए से। तो इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन फोर रहा। एक मफरूज़े की ज़बान की आमोजिश सबसे छोटी इकाई हरूफ तहज़ीब से शुरू होती है, तो इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन फोर रहा कुल ज़बान के नज़रिए से। अगला सवाल रहा, ज़बान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़बान की आमोजिश का एक आंसर तस्लीम करता है। सही ऑप्शन आकर ऑप्शन टू रहा, साख्तियाती रवैया, जो कि एक तरकीब से, तो इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन टू रहा। अगला सवाल रहा दोस्तों, काव्या ज़बान की उस्ताद है, वो आमोजगारों से मौजू की मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जा सकते हों, इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं। ऑप्शंस रहे लफ्ज़ बनाना, या फिर ऑप्शन टू तरकीब लफ्ज़ी, या फिर ऑप्शन थ्री लफ्ज़ों का हाल, या फिर ऑप्शन फोर लफ्ज़ों का खेल। तो इसका सही ऑप्शन अगर ऑप्शन टू है तरकीब लफ्ज़ी, लफ्ज़ों का खेल नहीं है, ना ही लफ्ज़ बना रहे हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन टू तरकीब लफ्ज़ी। अगला सवाल रहा, उस्ताद अपने आमोजगारों की ज़बान की सलाहियत यानी उसकी उनकी एबिलिटी जांचने के लिए सवाल तैयार करता है, वो इक्तिबास के हर पांचवें लफ्ज़ को छोड़ देता है और पांचवें और बच्चों से छोड़े हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है, जांच के उस तरीक़े कार को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन वन रहा क्लोज टेस्ट, ऑप्शन टू इक्तिबास को समझने के लिए पढ़ना, ऑप्शन थ्री फरहंग की जांच करना, या फिर ऑप्शन फोर खाली जगहों को पूर करना। तो इसका ये ऑप्शन आकर ऑप्शन फोर रहा खाली जगहों को पूर करना, क्योंकि वहां पर उसको डैशेस छोड़ रहे हैं जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स की तरह, और उसमें लिखने खाली जगहों में पूर करने का है, तो उसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन फोर है खाली जगहों को पूर करना। अगला सवाल रहा, बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़ुज़ से इस्तेमाल करना है, बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और सही और तलफ़ुज़ से इस्तेमाल करना है, इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन थ्री है बोलने का तरीक़ा। अगला सवाल रहा, कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आलाकार इस्तेमाल किया जाता है, यानी कहानी जो है आपको एक टीचिंग एड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, क्यों। तो इसमें सही ऑप्शन पहला पूछा गया कि क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त बनाए रखने के लिए, यानी नज़्म व ज़ब्त यानी डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए कहानी सुनाना ये कोई लिंकअप नहीं है, और दूसरा आकर सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए ये सही है, एंड तीसरा ये पूछा गया था कि बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग देने के लिए। तो इस फोर्थ ऑप्शन रहा ज़बान व अदब की महारतों को फ़रोग देने के लिए। दोस्तों इस सवाल का सही ऑप्शन होता है ऑप्शन टू, क्योंकि कहानी जो है बच्चे गौर से सुनते हैं, उनको कहानी पसंद होती है, तो सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए जो है कहानी को बतौर तदरीसियाती आले का इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल रहा, सियाख में खवाइद से मुराद, सियाख यानी एक रابطہ होता है मज़मून में, तो इसका सही ऑप्शन आकर ऑप्शन फोर रहा। सियाख में जो है देखे दिखाए और पढ़ाए जाने वाले फितरी ज़बान की मिसालों से आमोजिश, फोर्थ ऑप्शन इसका सही रहा। दोस्तों ये रही आज की पेपर वन की लैंग्वेज वन के आंसर की, जो कि हमने डिस्कस किया है अभी, मैंने इसको 100% अपना एक्यूरेट आपको आंसर बताने की कोशिश की है, फिर भी आपको ऐसा लगे कि यार इसका आंसर ये नहीं था, इसका आंसर ये होना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं उसको कमेंट को
पिन कर दूंगी, दूसरों की भी कमेंट को पिन करूंगी, जिसकी वजह से दूसरों की भी मदद मिल दूसरों को मदद मिलेगी सही आंसर जानने के लिए। तो लैंग्वेज टू के आंसर की भी मैं आपको जल्दी अपलोड करूंगी। तो ये रहा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभी तक किसी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।